दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो मी नोटबुक है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है? क्या ये गेम्स खेल पाएगा? और ख़ास करके क्या ये GTA 5 खेल पाएगा? तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए देखते रहिए। तो ये लीजिए, जो GTA 5 गेम है, इसे मैंने इस लैपटॉप पर लोड कर लिया है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये जो गेम है इसे खेल के बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मी नोटबुक है, इसमें 512 GB SSD है। और देख सकते हैं कि दो पार्टीशन दिया हुआ है। एक सी ड्राइव है जिसमें जो मेन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे लोड किया हुआ है, ये बहुत ही जल्दी बूटअप हो जाता है। और एक और ड्राइव है डी ड्राइव, जो तकरीबन 329 GB का है। और ये जो गेम है GTA 5, इसे मैंने इस डी ड्राइव में लोड किया हुआ है। वैसे अगर आप चाहें तो इस मी नोटबुक पर एक्सटर्नल ड्राइव्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये जो GTA 5 गेम है इसे खेल के बताता हूँ। देखिए, जब कभी आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स खेलते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार के लैपटॉप हो, वैसे तो मैं ये मी नोटबुक पर खेल रहा हूँ, जब कभी आप हाई एंड गेम्स खेलते हैं तो जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट ड्रेन होने वाली है। तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप जो पावर अडाप्टर है, जो पावर है, उसे कनेक्ट करके रखिए, ताकि आप जो गेम है इसे बढ़िया तरीके से खेल पाएँ। वैसे ये जो गेम है बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गेम है, इसका जो सेटिंग है, उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूँ। ये जो गेम है, मैं Full HD रेजोल्यूशन में खेल रहा हूँ। और वैसे भी ये जो स्क्रीन है, ये भी Full HD रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन है। VSync ऑन है। और इस सेटिंग पर भी जो गेम है, इसकी जो क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है। मी नोटबुक पर 2 GB वीडियो मेमोरी है। अब ये जो सेटिंग का मैं उपयोग कर रहा हूँ, बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और आप देख सकते हैं कि जो हाई रेजोल्यूशन शेडोज़ है वो ऑफ़ है। फिलहाल मैं इस सेटिंग को चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस सेटिंग पर बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो चलिए, जो गेम है इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कीबोर्ड और माउस का मैं उपयोग कर रहा हूँ। ये जो माउस है, इसे मैंने इस रिसीवर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नोटबुक में जो फ़ैन है वो बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है, क्योंकि ये जो गेम है एक तरह से हाई एंड गेम है और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का उपयोग हो रहा है। तो कूलिंग के लिए जो फ़ैन है वो एक्टिवेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से घूम रहा है। और आप सुन भी पा रहे होंगे, ये देखिए। और यहाँ पर जो वेंट्स है, यहाँ से भी गर्म हवा निकल रही है। फ़िलहाल तो गेम चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको कुछ एक्शन सिक्वेंस बताता हूँ। बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये जो मी नोटबुक कंसिडर करें तो इसके हिसाब से काफ़ी स्मूथ है। वैसे इसे नोटबुक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो साइज़ है एक तरह से नोटबुक की तरह है। इसे आप लैपटॉप भी कह सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और थोड़ी देर में एक्शन सिक्वेंस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जो गेम्स है बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, हार्डवेयर काफ़ी पावरफुल है। और अगर ये जो गेम्स है, इस प्रकार के गेम्स अगर स्मूथली चल रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस, वो कितने स्मूथली चलेंगे इस नोटबुक पर। तो दोस्तों, ये है GTA 5, जो मैंने आपको मी नोटबुक पर खेल के बता दिया। ये गेम आपको कैसा लगा, और ख़ास करके ये जो लैपटॉप है कैसा लगा? आपको लगता है कि ये हाई एंड गेम्स खेल पाएगा? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।